चढ़तीकला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है टॉप 20 बुलेटिन में। मैं हूं नील कमल। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी पटना के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को रांची से पटना के लिए ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों शहरों के बीच 28 जून से वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन रांची और पटना के बीच चलेंगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विमान में एक यात्री ने पहले फ्लाइट में फर्श पर पेशाब किया और फिर शौच किया। इतना ही नहीं, वह विमान में थूकता भी रहा। यह फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जा रही थी। घटना 24 जून की बताई जा रही है। आरोपी का नाम राम सिंह बताया जा रहा है। उसे दिल्ली की IGI पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक इनामी बदमाश गुरफान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वो प्रतापगढ़ का रहने वाला था। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में उस पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे 13 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस उसे लंबे समय से ढूंढ रही थी। गुरफान पर 1,25,000 रुपए के 2 इनाम थे। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे PRTC और पनबस के कच्चे कर्मचारी 2 दिन हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण आज भी बसें ना चलने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यह कर्मचारी आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पनबस और PRTC में कर्मचारियों की जायज मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में काफी विरोध और गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कम वेतन या रिपोर्ट से बहाल होने वाले कर्मचारियों के वेतन में 2500 और 30% की वृद्धि करने और हर साल 5% वेतन वृद्धि लागू करने और किलोमीटर स्कीम की बसों के टेंडर रद्द करने और अवैध शर्तें लगाने जैसी उनकी मांगें शामिल हैं, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय मंगलवार को यहां सभी पक्षों के साथ जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की अंतिम सुरक्षा समीक्षा कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि बैठक नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में होगी और गृह सचिव अजय भल्ला इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और ITBP जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख और खुफिया सेना, जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। न्यूयॉर्क शहर में रोशनी के त्योहार दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने यह घोषणा करते हुए इसे भारतीय समुदाय सहित शहर के निवासियों के लिए एक जीत बताया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा है कि हमें गर्व है कि राज्य के सदन और राज्य के सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। उन्होंने सोमवार को सिटी हॉल में की गई एक विशेष घोषणा में कहा कि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने यह जानकारी साझा की है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि एक आतंकी मारा गया, उसकी और वह किस संगठन से जुड़ा था इसका पता लगाया जा रहा है। उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित कई अन्य सामग्री बरामद की गई है। विस्तृत जानकारी की जल्द इंतजार किया जा रहा है। सुनहरी भविष्य के लिए विदेश के मुकेरियां के युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार थाना टांडा में तैनात ASI जर्नैल सिंह का 24 वर्षीय लड़का मनदीप अमेरिका में ट्रक चलाता था। 5 दिन पहले ही उसकी किसी ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी, जिसमें आग लगने से मनदीप पूरी तरह से झुलस गया। अस्पताल में भर्ती मनदीप की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनदीप अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। वहीं घटना की खबर पता चलते ही परिवार सहित इलाके में मातम का माहौल है। अमृतसर के मेहता चौक स्थित पेट्रोल पंप में लुटेरों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए, जिन्हें मुंह ढक रखे थे। जब कर्मचारी पेट्रोल डालकर पैसे लेने लगा तो लुटेरों ने उसके पैर पर गोली चला दी और उसकी जेब से 25,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के अलग अलग जिलों में नए तहसील कॉम्प्लेक्स बनाने और कई तहसीलों, सब तहसीलों के दफ्तरों की अपग्रेडेशन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद 99.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यसभा मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने बताया है कि आम लोगों की सुविधा और राजस्व विभाग के काम को
और सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कई तहसील सब तहसील दफ्तरों के नए निर्माण के लिए पहलकदमी की है। पंजाबी गायक निंजा इन दिनों धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में निंजा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह शिव मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए निंजा ने सोशल मीडिया पर कैप्शन में लिखा है, भोलेनाथ और हाथ जोड़ते हुए इमोजी भी बनाई है। बता दें कि गायक निंजा इन दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे थे, इसी बीच उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गायक निंजा सादा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे में जाम लगने से फंसे लोगों को 20 घंटों का समय गाड़ी में ही बिताना पड़ा। बच्चे और बुजुर्गों को काफी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ी। फल और सब्जियां लेकर जा रही गाड़ियों के चालक ज्यादा चिंतित नजर आए। बता दें कि रविवार रात करीब 9 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 4, 6 और 7 मील के पास भारी भूस्खलन के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 20 घंटों के बाद खोला गया। करनाल के गांव चुंडीपुर के पास 5 महिलाओं ने राइस मिल से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। महिलाएं मिल की दीवार फांदकर अंदर घुसी और ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिल मालिक ने पुलिस को शिकायत सौंपकर महिलाओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। घटना 23 जून शाम 5 बजे की बताई जा रही है। ये महिलाएं एसएल एग्रो फूड्स में दाखिल हुई। विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि मिल से इन्वर्टर, 2 बैटरी, 16 भट्टी, जाली ड्रायर, ब्लोअर की 12.5 हॉर्स पावर की मोटर, वेल्डिंग मशीन का सामान तथा तार आदि चोरी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि रूस में निजी सैन्य समूह वैगनर की बगावत में अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की कोई भूमिका नहीं थी। बाइडेन ने इसे रूसी प्रणाली के भीतर संघर्ष करार दिया। रूस के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने वाले बाइडेन और अमेरिकी सहयोगियों ने वैगनर के सैनिकों के हैरान करने वाले विद्रोह से दूर रहने का संकेत दिया है, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में 2 दशक से अधिक के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इंडिया फोकस के सदस्यों ने एक द्विपक्षीय विधेयक पेश किया है, जिसका मकसद भारत को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों तक पहुंच प्रदान करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ उसके सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद राजा कृष्णमूर्ति रो खन्ना और मार्क वेसी के साथ रिपब्लिकन सांसद एंडी बर तथा माइक वाल्टस ने ये विधेयक पेश किया, जो अमेरिका से भारत में हथियारों की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने और अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को गहरा करने का अवसर देगा। भारतीय मूल की आरती होला मैनी को वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने कहा है कि मैनी के उपग्रह उद्योग में अनुभव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मैनी इटली की सिमेनोटा डिप्पो की जगह लेगी। गौरतलब है कि होली मैनी को 25 साल से ज्यादा प्रबंधकीय और वकालत कार्यों सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुभव है। इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान टनल के अंदर 24 जून को दिनदहाड़े हुई लूट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की। अधिकारी ने गिरफ्तारियों की पुष्टि की है, लेकिन तत्काल कोई अन्य विवरण जारी नहीं किया गया। 24 जून को एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से 2 बाइक सवार पर 4 लोगों ने टनल के अंदर बंदूक की नोक पर लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए थे। पंचकुला के खरक मंगोली नदी में फंसी महिला को बचाने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरस्कार की घोषणा की है। महिला की जान बचाने वाले लोगों को नगद राशि के साथ प्रशंसा पत्र का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पंचकुला की रहने वाली संगीता कल कार सहित खरक मंगोली नदी के बहाव में फंस गई थी। गांव के 15 लोगों ने साहस का परिचय देते हुए उसकी जान बचाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित फिल्म मैं अटल हूँ में अभिनेता पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि राजनीति और कूटनीति के अलावा महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी को साहित्य और भाषा के प्रति बेहद प्यार और लगाव था। उनका कहना है कि अटल जी के जीवन पर आधारित फिल्म के किरदार से उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ज्यादा करीब से जानने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि कई ऐसी कविताएं और कवि हैं जो अटल जी और मुझे आमतौर पर पसंद हैं। अमृतसर से एक शर्मसार करती वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। एक कलयुगी बेटा प्रॉपर्टी के लिए अपनी बुजुर्ग माँ की बेरहमी से
मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी घटना की वीडियो आरोपी बेटे की पत्नी ने बनाई है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा अपनी ही मां को लातों और थप्पड़ों से मार रहा है, उसी के बालों को पकड़कर घसीट भी रहा है। इस दौरान बुजुर्ग सास को छुड़ाने के बजाय उसकी बहू द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। तो अब तक के टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। नई और ताजा खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए चर्द कला टाइम टीवी के साथ।